सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके और मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपोज लूट। अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ गूगल लेंस के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, आपने अपना है अपने प्ले स्टोर पे और आप इसे किसी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे और iOS पे दोनों पे। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गूगल फोटो एप्लीकेशन की, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ था फोन में। अगर उसकी कोई अपडेट आ रखी है तो उसे अपडेट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे मैंने ये अपडेट आ रखी थी, मैंने इसे अपडेट कर दिया है। देख लीजिए, ये गूगल फोटो एप्लीकेशन है जो कि आपने फोन में डाउनलोड करना है। तो उसके बाद अगर आप इंडिया में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आप को बता देता हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आपने ऊपर सर्च करना है ओपेरा फ्री वीपीएन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे टॉप पे आ गया है लिंक, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने इसे डाउनलोड करना है। कुछ कंट्रीज में अभी भी शायद ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया में हालांकि अभी लॉन्च हो चुका है ये। आपको बस गूगल फोटो को अपडेट करने की जरूरत है। तो अगर आप किसी और कंट्री में है तो आपको वीपीएन यूज करना ही पड़ेगा। तो VPN कैसे यूज करना है मैं आपको बता दूंगा, पहले इसे डाउनलोड करने देते हैं। ये गूगल की तरफ से एक नया फीचर आया है, जो कि हम किसी फोटो को स्कैन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, या किसी होटल में जाते हैं या किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम उसको फोटो क्लिक करके गूगल लेंस के द्वारा उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे डाउनलोड हो लेने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसे। यहाँ पे नेट स्पीड थोड़ी स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरे इस चैनल में आपको बहुत सारी ट्रिकें मिलेंगी फ्री इंटरनेट से रिलेटेड। मोस्टली मैं एयरटेल से रिलेटेड ज़्यादा डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार से क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिलो करें। अदरवाइज आप हमें गूगल बिजनेस अकाउंट पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। ये लीजिए दोस्तों, हो गया डाउनलोड, की 2 मिनट से इंस्टॉलेशन में लगेगी। दोस्तों मेरा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है वीपीएन। अब इसे मैं डायरेक्टली ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद या तो आप डायरेक्टली स्किप कर दीजिए या नेक्स्ट नेक्स्ट आप कर दीजिए। फिर उसके बाद ओके करना है, जहां पे आपको एक परमिशन देनी पड़ेगी इसे वीपीएन को अलाउ करने के लिए। तो इसे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपने ऊपर कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर 2 मिनट वेट कीजिए जब तक ये किसी वीपीएन से कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वीपीएन से कनेक्ट हो चुका है, बट हमें यूएसए की वीपीएन कनेक्ट करनी है। तो लास्ट में देखिए, यूनाइटेड स्टेट की है, उसे क्लिक करके दोबारा कनेक्ट कर दीजिए। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो आप इसे दोबारा रिकनेक्ट करिए, ये 2-3 बार में हो जाएगा। वैसे तो ये फर्स्ट टाइम पे ही हो जाएगा। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट हो चुका है। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो चलते हैं अपने कैमरे पे।
कैमरा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बुक की इमेज क्लिक करनी है, तो मैं इस बुक की इमेज क्लिक कर लेता हूँ और मिनिमाइज करते हैं इसे और चलते हैं अपने गूगल फोटो पे। गूगल फोटो एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पे मेरी फोटो आ रखी है जिसकी मैंने इमेज क्लिक करी, और नीचे आप देख सकते हैं डिलीट बटन के साइड में ही गूगल लेंस का एक आइकन आ रहा है जिसपे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इसे स्कैन करेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो ये देखिए दोस्तों इसने बता दिए कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन सी बुक है, कौन पब्लिशर है इसका, और सारी डिटेल इसको आपको विकिपीडिया पे लिंक दे दिया गया है। तो चलिए हम कुछ और भी इसमें ट्राई करके देखते हैं और ये क्या क्या कर सकता है गूगल लेंस। वापस हम अपने कैमरा एप्लीकेशन पे चलते हैं और इस बार मैंने इस बिजनेस कार्ड को स्कैन करने की कोशिश करी है, तो चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वापस अपने एप्लीकेशन पे आते हैं गूगल फोटो पे, अगेन बैक करते हैं इसे। बैक करने के बाद आप देखिए ये आ गया मेरा गूगल बिजनेस अकाउंट। वापस से वही गूगल लेंस पे आपने क्लिक करना है और ये स्कैन होगा। तो ये देखिए दोस्तों इस पे जितने भी लिंक थे, जो भी इसकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल गया है। अब डायरेक्टली मैं इनकी साइट विजिट कर सकता हूँ, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक और चीज आपको इसकी खास बात बताता हूँ। वापस चलते हैं हम अपने कैमरा एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं अपने किसी भी बुक के चैप्टर्स की फोटो क्लिक करके रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फोटो क्लिक कर ली। वापस चलते हैं हम अपने गूगल फोटो एप्लीकेशन पे और जावास्क्रिप्ट वाले इमेज को क्लिक करते हैं और स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारे कंटेंट को रीड कर लेगा। अभी ये स्कैन कर रहा है, इसने बता दिया ये जावास्क्रिप्ट की बुक है, और साइड में आपको टेक्स्ट सेक्शन मिल रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, इसने सारे टेक्स्ट को रीड कर लिया है और ये इजली सब कुछ यहाँ पे लिख दिया उसने, सभी पॉइंटों को। आप फ्री टाइम पे किसी भी इमेज की फोटो क्लिक करके रख लीजिए अपने फोन में, सॉरी, और इसे आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं और कभी भी इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, या किसी को सेंड करना है कंटेंट तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको गूगल लेंस का ये सीरीज अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, ट्रिक से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। इसे तो आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।